तारीख गवाह है कि भारत दुनिया का वो मनहूस मुल्क है जो जिस मुल्क के साथ भी खड़ा हुआ है उसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मिसाल के तौर पर रूस अफगान जंग में भारत रूस के साथ खड़ा था, फिर रूस का जो हाल हुआ पूरी दुनिया ने देखा। इस बार भारत अफगानिस्तान में अमरीका का पिट्ठू बना हुआ था। अब अमरीका जिस तरह से अफगानिस्तान से दुम दबा कर भागा है ये पूरी दुनिया देख चुकी है। मुख्तसरन भारतीय नहूसत की वजह से वक्त की दो सुपर पावर्स को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब चूंकि भारत इस खित्ते में अकेला पड़ चुका है इसलिए भारतीय अब इस सब का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं। भारत की मूंछों वाली सरकार मतलब नाम निहाद जनरल जीडी बख्शी ये दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमरीका को शिकस्त तालिबान ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने दी है। जीडी बख्शी के मुताबिक तालिबान इतने ताकतवर नहीं है कि वो अमरीका समेत नेटो ममालिक को अफगानिस्तान से भगा दे। इस सब के पीछे पाकिस्तान की आर्मी है और पाकिस्तान की आर्मी की वजह से भारत को बुजदिलों की तरह अफगानिस्तान से भागना पड़ा। जनरल DG बख्शी के मुताबिक तालिबान की ट्रेनिंग पाक फौज ने की है, यही वजह है कि तालिबान ने अमेरिका को धो डाला है। तालिबान इतने ताकतवर कब से हो गए हैं कि उन्होंने दो सुपर पावर्स को यके बाद दीगरे नाकू चने चबवाए। ये सब कुछ करने वाली पाकिस्तान की फौज है। आइए आपको जनरल GD बख्शी का वो क्लिप सुनाते हैं जिसमे वो एतराफ कर रहा है भारत की जिल्लत का सबब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है। देखिए पाकिस्तान इसके पीछे है। पाकिस्तान की फौजें पिछली बार भी सिविल ड्रेस डाल के तालिबान के नाम पे लड़ रही थी, पिछली बार भी वो इसी तरह लोगों के नरसंहार कर रही थी। उनकी देखरेख के नीचे औरतों की कोड़ों से पिटाई हुई है। देखिए अगर पाकिस्तान सोचता है कि वो अफगानिस्तान में ड्यूली इलेक्टेड सरकार को इस तरह अपनी ताकत दिखा के उखाड़ फेंकेगा और दुनिया उसका कुछ नहीं कर पाएगी तो अमेरिका शायद भाग रहा हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान को, हमको अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से निपटने आपके ईस्टर्न फ्रंट पे ऐसा दबाव हिंदुस्तान डाल सकता है कि आपको होश हवास के फाख्ते उड़ जाएंगे। मत भूलो हमारी फौजों ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हुए हैं। अबे दांत नहीं दिखा घुसट, मैं तुम्हें कह रहा हूँ आपको ये सौदा महंगा पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान की फौज तालिबान की आड़ लेके एक मुल्क का तबाही करेगी, एक मुल्क का खात्मा करेगी, तो पाकिस्तान को कीमत देनी पड़ेगी। आप क्या समझते हैं, आप जो है दुनिया के सर पे चढ़ सकते हैं, आप दुनिया भर का ठेका ले रह सकते हैं? देखिए तमाम फसाद की जड़ अफगानिस्तान में पाकिस्तान है। तालिबान को किसने खड़ा किया, मैं जरा याद दिला दूं पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स को। मेजर जनरल नासिरुल्ला बाबर का नाम सुना है आपने, पाकिस्तान फौज के, उसने तालिबान को खड़ा किया था। पाकिस्तान की फौज के 11,500 सिपाही थे, टैंक थे, तोपखाना था, जो कि पिछले बार तालिबान के साथ ऑपरेट कर रहा था। अब भी आपने लश्कर ए तैयबा के नाम पे, हरकतुल जिहाद मुजाहिदीन के नाम पे आपने वहाँ पे फौजें भेजी हुई हैं। ठीक है आप लड़ रहे हैं तालिबान के साथ, तालिबान की सरकार एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी, ठीक है, उसके अफगानिस्तान के लोगों ने उसको चुना है, वो लेजिटिमेट सरकार है, आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरे देशों में डाके तख्ते पलट करने का, वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों का। हम जानते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ये तमाशा आप और देशों में फैलाने की कोशिश करें, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं कि भारत के पास अफगानिस्तान जाने का रूट नहीं है, वो रूट पाकिस्तान से जाता है। अगर हमने आपको फसाद की जड़ पाकिस्तान है, हमको पाकिस्तान पे दबाव डालना है, राजा फैजल साहब हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं।